नजरे मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी। पीछे पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे। वी आर एट नालंदा, न्यू नालंदा टू बी प्रिसाइज, और धुले में है ये जगह। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं 3 दिन से यहाँ पर रुका हूँ, और 3 दिन से मैं तीनों टाइम का खाना खा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे अच्छी बात, बाहर बहुत पार्किंग है, कोई मचमच नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतनी अच्छी पार्किंग की जगह दी। गाड़ी पार्क करके अंदर आओ तो एक्सपीरियंस अलग है। फैमिली के साथ आया हूँ, फैमिली डाइनिंग रूम आपका बहुत अच्छा बना है। okay, इतना अच्छा है, मैं मतलब बोलता ना कि जनरली इंग्लिश में एक सेइंग है कि वे टू मैन्स हार्ट इज फ्रॉम हिज स्टमक। इतना अच्छा खाना है ना कि मेरे साथ टीनू जी है और ये मेरे दोस्त बन चुके हैं। इतना मजा आ गया ना इधर आके सर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि धुले में मेरे को इतना अच्छा खाना मिला और एक दोस्त भी मिला है, और इतना मज़ेदार था मेरा एक्सपीरियंस 3 दिन इधर, और 3 दिन में एक जिंदगी भर के लिए एक अच्छा दोस्त, और इतना जवाब, एकदम लाजवाब खाना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 3 दिन से इधर रुका हूँ, आपका फूड जबकि स्पाइसी है। क्योंकि मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था इधर, और ये बोलते कि ये खानदेशी बेल्ट है, इसको बोलते खानदेशी बेल्ट। तो खानदेशी फूड बहुत तीखा होता है, तीखा रहता है हमारा खानदेशी खाने में। हाँ। जो टेस्ट रहती है सब काले मसाले की टेस्ट रहती है इसमें, और जो मसाले हम लाते हैं खुद परचेस करते हैं। अरे वाह। और परचेस करने का उसमें कितना क्या होना क्या नहीं, और हमारा जो मसाले में जो है वो खाना खाने के बाद आपका एसिडिटी कभी आएगी नहीं। हाँ, और प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं कोई ऐसा ये नहीं रहेगा, और खाने में ऐसा टेस्ट ऐसा रहेगा, तीखा भी लगेगा, स्पाइसी भी लगेगा थोड़ा, और अच्छा एकदम चटक मटक बोलते हैं हमारे तो खानदेशी खाना, चटक मटक वो स्वाद आपको मिलता रहेगा। हाँ, मैं आपको यही बोलने वाला था कि इधर आया हूँ मैं, इतना तीखा खाना खा रहा हूँ, फूड आपका एकदम मस्त, जैसा मेरे को तीखा चाहिए इतना मस्त चटपटा और तीखा है। पर एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि एसिडिटी हो गई या छाती में जलन हुई, कुछ नहीं। अरे यहाँ से जाऊंगा ना मैं अपने होटल के रूम में पहुंचता हूँ, मेरे को भूख लग जाती है, इतना अच्छा है। मैं घर जाके भी ऐसा खुशबू सुनता हूँ मेरे हाथों की, इतना अच्छा खाना है। वही हमारी कोशिश रहती है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का खाना देना, और अच्छा बढ़िया क्लीन रखना होटल में, एकदम हर जगह पर सिक्योरिटी, गाड़ी की सिक्योरिटी है, हर चीज़ की हम सिक्योरिटी रखते हैं। उसके बाद हमारे जितने लेबर्स है, वेटर है, कैप्टन है, उनका मेडिकल चेकअप है, सब हमने किया है, और जितना स्वच्छता बोलते क्लीन रखना हम सबसे उस पर भी ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, और उसके आगे और जितना हम आप जैसे हमारे नए दोस्त मिल गए हमको। हाँ। उससे और गाइडेंस भी लेते हैं कि सर हमको इसमें और आगे क्या करना चाहिए, और आप मुंबई के हो तो उसमें कहते हैं मुंबई में हर चेंज होते रहता है, और वही आइडिया हम इधर लाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर ओरिजिनल महाराष्ट्रन खाना खाना हो यार गाइस, तो इधर आना। आप इंदौर जा रहे हो मुंबई से, या कभी भी धूले से पास हो रहे हो, तो ये होटल में आके खाना अगर आपने नहीं खाया ना, अपने लाइफ में एक बहुत प्रेशियस चीज़ मिस कर दी। मतलब मैं इधर आके अपने आप को लक्की फील करो कि इतना लाजवाब खाना, मज़ा आ गया है एकदम। थैंक यू। अभी ये जो अपना होटल है, होटल न्यू नालंदा, ये अभय कॉलेज के सामने मुंबई आगरा हाईवे, मुंबई से निकलते के समय आप इंदौर जाते हो तो राइट में मेरा होटल है, उसके बाद आप जलगांव भी जाते हैं, जलगांव नागपुर, तो रास्ते में मेरा होटल लगता है। आप एक बार जरूर आइए,
और एक बार टेस्ट करने का हमारे दोस्त और हमारे परिवार सरीके बन जाओगे, ये हमारी गारंटी है। गाइस वो एक छोटा सा यूटर्न मत सोचना कभी भी, अगर आप बॉम्बे जा रहे हो तो रास्ते में है, पर छोटे से यूटर्न के लिए अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो आपने ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिस कर दी। दोनों टाइम इधर ही खाना है, मैं टीनू जी का दोस्त हूँ और मैं देख रहा हूँ आप इधर खाते हो कि नहीं।